यह हमारा प्रोग्राम चल रहा है। बहुत से साथियों को पता है लेकिन बहुतों को नहीं पता है, एक सूचना मैं देना चाहूंगा। हाँ, ऐसे नेता हुआ जो पैसे पे बिक गए, पैसे कितने हैं उन्हें ये पता नहीं है, और आज भी पैसे के अलावा उनको कुछ नजर नहीं आता। लेकिन ये जमीन आज की तारीख में जिसकी कीमत अगर मैं कहूं 1000 करोड़ रुपए होगी तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। पूज्य बाबा साहब की खून पसीने की कमाई से 4500 रुपए से उन्होंने अपने पैसे से ये जमीन समाज एसोसिएशन के अधिकार में यह है, उस संस्था के अधिकार में है, लेकिन पूज्य बाबा साहब के पैसे से खून पसीने की कमाई से जमीन, हम उस जमीन पर हमें कार्यक्रम करने का मौका मिला, वहां हम कार्यक्रम कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि हम एक निर्णय पर पहुंचेंगे। माननीय राजरत्न गौतम जी को मैं सॉरी अंबेडकर जी को मैं आमंत्रित कराऊ, उसके बाद में मैं बताऊंगा कि क्या निर्णय है और फिर ये प्रोग्राम। आज के जो हमारे सभा के अध्यक्ष हैं आदरणीय मोहम्मद सुलेमान साहब, इंडियन नेशनल लीग के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके अध्यक्षीय भाषण के बाद कार्यक्रम समापन होगा, फिर सब लोग मिलकर यहाँ पे खाना खाएंगे, तब खाएंगे और आगे की जो रणनीति उस पर काम करेंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूँ, प्लीज आप आए, हमें बताएं, हमें संबोधित करें। प्रोग्राम के प्रेसिडेंट मोहम्मद सुलेमान जी, इंडियन नेशनल लीग से क्रांतीय सिंह संगठन सरदार कुलवंत सिंह जी, दीपचंद राम गौतम जी, मूलचंद जी, डॉक्टर हरभूषण जी, विनोद तेजिया जी जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है, भानु प्रकाश जी, प्रोफेसर रतन जी जिनका भी हमने भाषण सुना है, अरुण चौधरी जी, दिलीप सिंह तूफान हरियाणा से, IPS पृथ्वीराज जी हिमाचल से, रविदास जी अभी जिन्होंने केरला से हमारे सामने अपनी बात रखी, थॉमस मैथ्यू जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी कार्यकर्ता भी बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारधारा पर चलने वाले सभी बाबा साहब के अनुयायी। आज हम लोग यहाँ पर जिस बैठक के लिए यहाँ पर आए हैं, जो माहौल इस देश में चल रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए सभी देश में से कि सभी लोगों को सभी संगठनाएं, सामाजिक संगठनाएं हो, राजनीतिक संगठनाएं हो, धार्मिक संगठनाएं हो, ये सारी संगठनाओं को एक करके जो धर्मांध शक्ति इस देश में उभरने की कोशिश कर रही है या उभर चुकी है उसको किस तरह से रोका जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पर यहाँ इकट्ठा हुए। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मैं आप लोगों को थोड़ा पीछे लेकर जाना चाहूंगा, इस देश की जो आजादी हुई 1947 में जो हम लोग आजाद हुए, कोई भी इलेक्शन 1947 में नहीं हुई, और बिना इलेक्शन के इस देश को पीएम मिले, बिना इलेक्शन के इस देश में सारे पद गठित हुए, और जो हम लोग देखते आ रहे हैं 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, तो 1952 में इलेक्शंस हुए, 1947 के बाद 1952 में इलेक्शंस हुए, और 1952 के इलेक्शंस में उस समय कांग्रेस को 35% ऑफ वोट्स मिले, टोटल वोट्स में से 35% ऑफ वोट्स कांग्रेस को मिला, और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने देखा कि 1952 में 35% वोट पाकर कांग्रेस सत्ताधारी पक्ष बना हुआ, सत्ताधारी पार्टी बनी। इसका दूसरा अर्थ बाबा साहब ने लगाया कि 35% वोट कांग्रेस को मिल रहा है, इसका मतलब 65% वोट कांग्रेस के खिलाफ है। पीछे ना करें प्लीज। लेकिन ये 65% वोट असंगठित है, बिखरे हुए है, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उनकी जो पार्टी थी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपनी पार्टी को बर्खास्त करने का निर्णय लिया और ओपन लेटर भारत के जनता को, भारत के सभी पार्टियों के अध्यक्षों को, भारत के सभी पार्टी के पदाधिकारियों को लिखा कि इस देश में विरोधी सक्षम ऐसा विरोधी पक्ष हमको निर्माण करना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सभी देशवासियों
पक्षियों के लिए एक लेटर लिखा और उस लेटर में से अपील किया कि सभी लोगों ने अपने अपने पक्ष छोड़कर, सभी लोगों ने अपने अपने पार्टियां एक छत के नीचे लाकर एक पक्ष करके कांग्रेस के खिलाफ हम लोगों को इस देश में राजनीतिक लड़ाई लड़नी। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उस तरह से पहल करने के लिए शुरुआत कर दी थी। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1955 में ही रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के गठन करने का जो काम था वो शुरुआत कर दी थी। आज भी आप लोग इंटरनेट पे जाओ, राम मनोहर लोहिया एंड डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर करस्पॉन्डेंस कितना टाइप कीजिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी के और राम मनोहर लोहिया जी के 6 लेटर्स आपको मिलेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर जी के इस प्रस्ताव के लिए राम मनोहर लोहिया तक तैयार थे और राम मनोहर लोहिया बाबा साहब अम्बेडकर जी के रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को आगे लेकर जाने के लिए तैयार थे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 को हो गया। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इसी दिल्ली में यही पे अलीपुर रोड के इस बंगले पे जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर रहा करते थे 30 सितंबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की मीटिंग बुलाई और मीटिंग में ये रिजर्वेशन पास करवाया कि आज से शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बंद हो गई है, बर्खास्त हो गई है और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन हो चुका है। ऐसा प्रस्ताव बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पारित करवाया। लेकिन जो टेक्निकल जो पार्टी को फॉर्मेशन की जो प्रोसीजर होती है वो करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर रहे नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये सारा ओपन लेटर के माध्यम से इस देश में सभी पार्टियों को एक करने का काम इस देश में किया था। लेकिन खुद जिन्होंने ये पहल की थी वो खुद ही जिंदा जीवित नहीं है रहे, इसलिए जो लोग अपने 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 पक्षों से आए थे, अपने अपने जगहों से आए थे, वो अपने अपने जगहों पर फिर चले गए, वो फिर वहीं पे चले गए। और आज भी इस देश में विरोधी पक्ष आज तक इस देश को नहीं मिल पाए। जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने विरोधी पक्ष की संकल्पना, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी वह प्रदेश में जो पढ़ाई किया करते थे और वहां पर जो सिस्टम है उस सिस्टम को बाबा साहब अम्बेडकर इस देश में लागू करने के लिए जो पहल कर रहे थे कि आज भी देखो आज डोनाल्ड ट्रंप हो, क्लिंटन हो, इन दोनों में अभी जो इलेक्शन हुआ वहां पर भी जो दो ही पार्टी आप लोगों को दिखाई देती है। लेकिन हमारे यहाँ पे तो महाराष्ट्र में रिपब्लिकन नाम से 60 पार्टी है। देखो रहने जिस बाबा साहब अम्बेडकर जी ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ये इसलिए गठित किया था कि सारे पार्टियों को उस पार्टी में लाना है। लेकिन आज महाराष्ट्र के नेताओं ने इस पार्टी को 7 पार्टियों में बांट दिया, यानी एग्जैक्ट बाबा साहब अम्बेडकर जी के उस ओपन लेटर के विरुद्ध में ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन हो गया। 3 अक्टूबर 1957 को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और एग्जैक्ट बाबा साहब अम्बेडकर जी के विरोध में, उनके विचारों के विरोध में ये पार्टी आज तक चलती आ रही है। यानी बाबा साहब का जी जो कॉन्स्टिट्यूशन है आज तक इन्होंने लागू नहीं किया। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा विरोधी पक्ष सक्षम ऐसा विरोधी पक्ष होना चाहिए, आज भी इस देश को विरोधी पक्ष नहीं है। कांग्रेस उस समय सत्ताधारी पार्टी हुआ करता था। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जैसे ही ओपन लेटर की बात रखी, नेहरू ने सोचा अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी के ओपन लेटर पे अगर कल को कोई विरोधी पक्ष दल या इस देश में स्थापन होता है तो हम लोगों के हाथ में इस देश की सत्ता नहीं आएगी। इसलिए पूरे प्लानिंग के साथ विरोधी पक्ष की स्थापना कांग्रेस के माध्यम से कर दी गई, यानी सत्ता में भी हम ही रहेंगे और विरोध में भी हम ही रहेंगे, सत्ता में भी हम ही होंगे और विरोध में भी हम ही होंगे। इस तरह से आज भी इस देश में विरोधी पक्ष नहीं है। आज विरोधी पक्ष में कौन बैठा है? कांग्रेस। इस 2014 से पहले जो कांग्रेस के एजेंडे थे, जो कांग्रेस ने जो अपने बिल वो बहुमत में नहीं होने के कारण उनके बिल पास नहीं हो रहे थे, वही बिल आज बीजेपी पास कर रही है। प्राइवेटाइजेशन कांग्रेस ने लाया, आधार कार्ड का आप ले लो, आधार कार्ड किसने लाया? कांग्रेस ने लाया। लागू कौन कर रहा है? मोदी कर रहा है। एफडीआई का बिल कांग्रेस ने लाया, लागू कौन कर रहा है? बीजेपी कर रहा है। यानी ये कोई अलग अलग पार्टियां नहीं है, ये इन्होंने ही बनाई हुई एक ही पार्टी है। केवल इस देश के लोगों को उल्लू बनाने के लिए विरोध में बीजेपी, विरोध में कांग्रेस, इस तरह से इस देश के जनता को भ्रमित करके हम लोगों की सत्ता, यानी सत्ता में भी हुई विरोध में भी हुई। आप लोगों के बच्चा भी, आप सभी लोग देश के कोने कोने से आए, कोई हिमाचल से है, कोई पंजाब से है, कोई केरला से है, आप सभी लोग IAS IPS बड़े बड़े उद्योगपति हो। हम लोग हमारे बच्चों को
ऊपर आता है। यह ऐसा खेल आपने देखा होगा बचपन में या आपके बच्चे खेलते होंगे। ये खेल हम लोग भारत के इस सारे लोकशाही में लोकतंत्र में 70 सालों से देख रहे हैं। भारत के राजनीतिक चित्र में ये खेल चला रहा है। यानी कांग्रेस अगर सत्ता में हो तो बीजेपी विरोध में होती है, यानी कांग्रेस की सत्ता आई तो बीजेपी नीचे, बीजेपी ऊपर तो कांग्रेस नीचे, यानी कांग्रेस हो या बीजेपी हो जो बीच का जो दंडा होता है वो ब्राह्मणवादी होता है, वो ब्राह्मणवादी होता है। और ब्राह्मणों का काम इन दोनों के माध्यम से ये चल रहा है। और इसलिए हम लोगों को इस देश में सही मायने में जो बाबा साहब ने कहा था कि विरोधी पक्ष की, विरोधी पार्टी की, हम लोगों को विपक्ष की जरूरत है, और वो आज इस देश में सही मायने में हम लोगों को निर्माण करनी होगी। आपने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को हम लोगों को, बाबा साहब अम्बेडकर जी की जरूरत इस देश में है। बाबा साहब अम्बेडकर कब निर्माण होंगे मालूम है? बाबा साहब अम्बेडकर तब निर्माण होंगे जब नानक चंद्र रत्तू होंगे। बाबा साहब अम्बेडकर तब निर्माण होंगे जब शंकरानंद शास्त्री होंगे। बाबा साहब अम्बेडकर तब निर्माण होंगे तब सर आगा खान होंगे। ये सपनों का आपको निर्माण कर रहे होंगे तब जाकर बाबा साहब अम्बेडकर तैयार हो सकेंगे। लेकिन आज हम लोग अलग अलग गुटों में बढ़ रहे हैं। कोई केरला में अपनी पार्टी चला रहा है, कोई यूपी में चला रहा है। सही में आप लोग यूपी से मेरे ख्याल से ज्यादा लोग यहाँ पर हो। मैं तहे दिल से मायावती जी का एक व्यक्ति के नाते मैं उनका आदर करता हूँ, मैं उनका आदर करता हूँ, मायावती जी का मैं उनका आदर करता हूँ। लेकिन भारत के राजनीति में मायावती जैसी वृत्ति का कभी भी निर्माण नहीं होना चाहिए, ये मेरी तहे दिल से। उनकी जैसी वृत्ति, यानी आप भी जो काशीराम जी के नारे तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चाहो, क्या हो गया अभी इसका नारा क्या हो गया? ब्राह्मण शब्द बजाएगा हाथी बढ़ता जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश है हाथी नहीं गणेश, ब्रह्मा विष्णु महेश है हाथी नहीं, हाथी नहीं गणेश है ब्रह्मा विष्णु महेश। यानी ये जो सर्वजन हिताय बुद्धा का नारा, जो भोजन हिताय भोजन सुखाय था, यानी हम लोग बुद्धा से भी ऊपर हो गए, बुद्धा से भी हम लोग क्वालिफाइड हो गए, एनलाइटेंड हो गए। और बुद्धा का नारा भोजन हिताय भोजन सुखाय आज सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय में बदल गया। इसलिए मैं व्यक्ति के तौर पे उनका आदर करूंगा, लेकिन ऐसी मनोवृत्ति इस देश को हानिकारक है और बहुजन मूवमेंट को तो बहुत ही हानिकारक है। और इसलिए मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आज आप लोग यहाँ पर जो बैठे हो, 1952 में कांग्रेस की जो परिस्थिति थी, 35% लेकर कांग्रेस इस देश की सत्ताधारी पार्टी बनी थी, 2014 में वही रिपीट हुआ है। 2014 में बीजेपी को इस देश में 33% ऑफ वोट्स मिले हैं, 33% वोट, 31% वोट पे आज वो सत्ताधारी है और पूर्ण बहुमत में, 31% वोट में वो पूर्ण बहुमत में आए। और आज पूर्ण बहुमत में आकर भी उनका प्रॉब्लम संविधान से क्यों है मालूम है? पैसे देकर शराब बेच, शराब देकर वोट खरीदे, ईवीएम में घोटाले करके इन्होंने वोट खरीदे। अब इनकी अड़चन है कि इतना सारा पैसा भरकर, इतनी सारी शराब भरकर हमने सत्ता को हासिल कर दी, लेकिन सत्ता में आने के बाद हमको बाबा साहब के संविधान के अनुसार काम करना पड़ता है। इसलिए ये उनकी मुख्य अड़चन है, ये उनकी अड़चन है कि इतना सारा पैसा खर्च करने के बाद भी हमको बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के अनुसार काम करना पड़ रहा है। इसलिए ये संविधान को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। संरक्षण मंत्री लीजिए, अभी वो अपना पदभार स्वीकार रही है और स्वीकार करने के लिए 2 घंटा लेट कर आया। क्यों? मुहूर्त देख रहे थे। मुहूर्त देखकर संरक्षण मंत्री, इस देश के संरक्षण मंत्री, मंत्री मुहूर्त देखकर अपना पदभार स्वीकार रहे। कल ही महाराष्ट्र में घटना घटित हुई है, एक ब्राह्मण स्त्री ने उसकी नौकरानी के ऊपर केस फाइल किया कि वो ब्राह्मण नहीं थी, फिर भी उसने मेरा खाना बनाया। पहली केस है। ये सब शुरुआत हो चुका है। जो मनुस्मृति इन लोगों को लागू करनी है उसका लिटमस टेस्ट ये लोगों ने शुरुआत कर दी, ये सारी शुरुआत हो चुकी है। और इसलिए आज मुस्लिम लोग भी यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने में शामिल है, उनके नेशनल प्रेसिडेंट शामिल है। आज इस देश में मुस्लिम इसलिए सुरक्षित है क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान इस देश में है। इसलिए आज मुस्लिम हो, एससी हो, एसटी हो, माइनोरिटीज हो, ये सिख हो, ये सब लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान की वजह से आज सुरक्षित है। और इसलिए
हम लोगों को बाबा साहब अंबेडकर जी के जो विरोधी पक्ष की संकल्पना है उसको पूरा करने के लिए, देखो आज आप लोग सब यहाँ पर क्लास वन और क्लास टू ऑफिसर्स यहाँ पर मेरे सामने बैठे हो, इस देश की सारी यंत्रणा आप लोग चलाते हो। कोई रेलवे में होगा, कोई वाटर डिपार्टमेंट में होगा, कोई अलग अलग खाताओं में हेल्थ डिपार्टमेंट में होगा, यानी इस देश की सारी यंत्रणा आप लोग चलाते हो, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर जी का मूवमेंट जो क्लास फोर के भी लायक नहीं है वो आगे चला है, जो क्लास फोर के भी लायक नहीं है, यानी आप लोग देश चलाने में व्यस्त हो चुके हो और बाबा साहब अंबेडकर जी का मूवमेंट आप लोग नहीं चला रहे, इसलिए आज ये परिस्थिति आ गई। जो आपने नारा दिया, आपने रतन जी ने कहा कि इस देश में बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो शिक्षा का आदेश दिया, बहिष्कृत हितकारी सभा का जब गठन हुआ तब बाबा साहब अंबेडकर जी ने एक कोटेशन, एक आदेश हम लोगों को दिया, टू एजुकेट, टू एजिटेट एंड टू ऑर्गेनाइज। जिस दिन ये आदेश दिया उस दिन से इस आदेश को तोड़ने की जो यंत्रणा है वो काम कर रही है, यानी आप लोगों की पहली पीढ़ी, एक पीढ़ी और आगे देखिए, क्या वो आईएएस थी, क्या वो आईपीएस थी, उनके भी एक पीढ़ी देखिए वो कम से कम ग्रेजुएट थे, लेकिन उनकी और एक पीढ़ी देखिए क्या वो दसवीं तक कभी गए, उनकी और एक पीढ़ी देखो, यानी घर घर में हमारी औरतें झाड़ू फटा करके उसने अपने घर में डॉक्टर और इंजीनियर तैयार किया, लेकिन आज जो डॉक्टर और इंजीनियर मेरे सामने बैठे हैं वो अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना सकते, ये व्यवस्था लागू हो चुकी है, कायदे बनाकर आप लोगों के अधिकार नष्ट कर दिए। एजुकेशन बाबा साहब अंबेडकर ने कहा एजुकेशन इस समाज को कंपलसरी है, इसको अनिवार्य है, उसको लेना चाहिए, और उन्होंने पहला आधार आपके एजुकेशन पे किया है। आप लोग आरक्षण 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 कर रहे हो, आरक्षण कहां लागू है, आरक्षण लागू होता है सरकारी स्कूलों में, आरक्षण लागू होता है सरकारी नौकरियों में, सरकारी स्कूल कहां बचे हैं साहब, सारे के सारे तो प्राइवेट हो चुके हैं, प्राइवेटाइजेशन में आरक्षण नहीं है, प्राइवेटाइजेशन में आरक्षण नहीं, नौकरियों में अनेक सालों से बैन लगा हुआ है, आरक्षण पेपर में है, अस्तित्व में आरक्षण कब का जीरो हो चुका है, आरक्षण जीरो हो चुका है, और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी का ये जो मूवमेंट है ये क्लास वन क्लास टू ऑफिसर्स को, क्वालिफाइड लोगों को अपने एसी कैबिन से बाहर निकल के रस्ते पर के आंदोलन उनको करना होगा। अभी आपको ऑनलाइन ये जो आज हम लोग व्हाट्सएप और फेसबुक पे जो आंदोलन कर रहे हैं ये ऑनलाइन आंदोलन की जरूरत नहीं, अभी लैंडलाइन आंदोलन की जरूरत हम लोगों को है, जमीन पर उतर के हम लोगों को आंदोलन करने की जरूरत है। मेरे ख्याल से इस दो सालों में मेरे ऊपर इतने चार्जेस नहीं लगे होंगे। मैं अभी तेलंगाना आंध्रा में गया, समता सैनिक दल का प्रोग्राम था, समता सैनिक दल के प्रोग्राम में मैं ना पहुंचू इसलिए मुझे पहले अरेस्ट कर लिया, पूरा हैदराबाद बंद था उस दिन, पूरा हैदराबाद बंद था, पूरे हैदराबाद को उन्होंने हमारे लोगों ने रस्ते जाम करके बंद किया, आज उनको पता चल रहा है कि क्या ताकत आज हम लोगों के पीछे खड़ी हो रही है, आंध्रा हो, तेलंगाना हो, यूपी हो, जैसे तेजा भाई ने बताया सारे स्टेट्स में से आज बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है, लेकिन इसको बहुत प्रॉपर वे से और एक दिशा देकर हम लोगों को खड़ा करना होगा, वरना क्या होगा हम लोगों को कहीं ना कहीं पे एंगेज करके ये हमारे आंदोलन की हवा निकालने की कोशिश पूरे तौर से करेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, सर ने कहा कि इस देश में से जाति उन्मूलन होना चाहिए, मैं भी ये मानता था कि इस देश में से जाति व्यवस्था नष्ट होनी चाहिए, जाति जात ये व्यवस्था नष्ट होनी चाहिए, मैं भी मानता था, और मैं भी कहता था कि इस देश को कास्टलेस होना चाहिए, फिर मैंने देखा इस देश को कास्टलेस होने कोई फायदा नहीं, क्यों पता है, ये कास्टिज्म ब्राह्मण इस देश में फैलाता ही रहता है, आप कास्टिज्म खत्म करो वो फिर से कुछ नया डाल देगा, इसलिए मैं कहूंगा इस देश को डीमोनेटाइजेशन की नहीं डीब्राह्मणाइजेशन की जरूरत है, इस देश को डीब्राह्मणाइज करो आप लोगों की कास्टिज्म का प्रॉब्लम खुद ही खत्म हो जाएगा, डीब्राह्मणाइजेशन की इस देश की जरूरत है, इसलिए आज आप लोगों के माध्यम से यहाँ पर इस देश के सारे स्टेट्स के जो लोग आप लोग इकट्ठा हुए हो मैं चाहूंगा कि फ्रूटफुल यहाँ से कोई रिजल्ट निकले, कोई एक बहुत बड़ी आशादायक बात हम लोग महाराष्ट्र में लेकर जाए, अलग अलग राज्यों में लेकर जाए, और इस माध्यम से बाबा साहब अंबेडकर जी का आंदोलन हो, राजनीतिक बाबा साहब अंबेडकर का आंदोलन
लिए है, अब बुद्धिज्म के ओर लेके जाने वाला वो सारा हाजर एट ए टाइम उन लोगों को खड़ा करना। मैं आज सही में शुक्रिया अदा करना चाहूंगा क्योंकि देर भी बहुत हो चुकी है, आप लोगों को कंक्लूड भी करना है, प्रेसिडेंशियल स्पीच होना है, इसलिए मैं आज की इस मीटिंग में शामिल करने के लिए आप लोगों को मैं बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया, आप लोगों के आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं यही गुजारिश करूंगा कि इस मीटिंग में से जो दो दिन चल रही है, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के भवन में, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिए हुए जमीन पे हम लोग यहाँ पर जो मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, इस मीटिंग में से कोई अच्छा फलदायक रिजल्ट हम लोग लेकर जाए, ये उम्मीद मैं आज की कॉन्फ्रेंस से करता हूँ। और यही रुकता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय भूमि।